जनता का विश्वास हमारी बहन पूनम जिंदल जी को जिता के रहेगा और कमल का निशान लोग दबा के रहेंगे। भाजपा ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। विधायक वसूली भी करते हैं क्या? और क्या, क्यों नहीं करते विधायक, पैसा लगाकर जीते हैं। नज़दीकी के कारण उन्होंने मेरी टिकट हो रही थी, मेरी टिकट काट के 10 लाख रुपए लेने के बावजूद उसको एक सिमी याद आवे जिसे कोई जानता भी नहीं उसको दे दी गई है। हमारा विधायक कैसा हुआ? हमारा विधायक विनय मिश्रा चोर है, सरेआम कहता हूँ चोर है। एक तरफा हमारी पार्टी हार रही है सागरपुर में भी और पूरी द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी हार रही है एक तरफा। आम आदमी पार्टी कॉम्पिटिशन में ही नहीं है कहीं भी। नाम बताया आपने? आशीष। आशीष, ये बताइए कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं जनता के बीच में जब जा रहे हैं, तो कैसा माहौल दिख रहा है इस बार जनता के बीच? भाजपा को लेकर और बहन पूनम जिंदल जी को लेकर बहुत उत्सुकता है और हमें पूरा यकीन है कि जनता का आशीर्वाद और जनता का विश्वास हमारी बहन पूनम जिंदल जी को जिता के रहेगा और कमल का निशान लोग दबा के रहेंगे। आप चलते हैं थोड़ा सा आपसे चलते ये जानना चाहेंगे कि आखिर जैसे कि यहाँ पे अभी सागरपुर में क्या क्या काम ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से एक बार जनता फिर से आपको चुनना पसंद किया, पूनम जिंदल जी को फिर से चुनना पसंद करेगी? देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पर गली नंबर 13 के वहाँ पर एक डीजे प्लॉट है खाली, वहाँ पर आप देखेंगे पूरा कूड़े का धलावता जो जिसमें कि 300 ट्रक उसमें कूड़ा भर के उसको खाली करा गया और आज वहाँ पर पूनम जिंदल जी के द्वारा वहाँ पर रामलीला कराई जाती है। सबसे बड़ी उपलक्ष्यता यही है। दूसरी बात, जगह जगह देखेंगे बहुत अच्छे तरीके के बाथरूम बनाए गए हैं, साफ सफाई आप देख सकते हैं, साफ सफाई, सीवर, हर तरीके की जो भी जनता को जो भी परेशानियाँ, सारी परेशानियों को बहन पूनम जिंदल जी ने लोगों को छुटकारा दिया है और जो जो कमियां थी उन चीज़ों को हम आगे चल के हम बहन पूनम जिंदल जी की तरफ से हम सारे कार्यकर्ता वादा करते हैं कि इस बार अगर वो कमल का बटन दबाकर बहन पूनम जिंदल जी को जिताते हैं तो जितने भी हमसे जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपसे आपका नाम क्या है? मयंक। मयंक, ये बताओ कि जो है आम आदमी पार्टी भी अभी जो है बीजेपी के खिलाफ में यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया है या फिर ऐसे ही बस? अभी तो खैर कुछ नहीं किया, जैसे देखा जाता है कि पूनम जिंदल ने पहले भी बहुत कुछ किया है, लाइटें लगवाई हैं, कूड़ेदान साफ कराया, गाड़ियाँ आई हैं, सब कुछ आया है। अच्छा। तो उस नज़र में देखने से ना हमें लगता है कि पूनम जिंदल इस बार भी आएगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी भाई। अच्छा। सब आपको लगता है जैसे आम आदमी पार्टी दावा कर रही है फ्री पानी बिजली इन सब का, क्या लगता है तो इसका कुछ प्रभाव मिलेगा, वोट बैंक तब्दील हो पाएगा, कुछ वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी में? मिल सकता है क्योंकि उन्होंने आम आदमी है, उन्होंने क्या नाम है वो बिजली क्या नाम 200 यूनिट फ्री करवाई थी वगैरह वगैरह, पानी फ्री करवाया था, उस चक्कर में लोग उन्हें दे सकते हैं। पर जहाँ देखा जाए कि पूनम जिंदल ने लाइटें वगैरह सब कुछ जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, कूड़ेदान की गाड़ियाँ आई थी, उन सबको देखे तो पूनम जिंदल को मिलना चाहिए वोट। चलिए, तो लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? संजू गुप्ता। बताइए कि अभी प्रचार प्रसार आप कर रही हैं पूनम जिंदल जी का, काम उम किया है कुछ? हाँ, करे किए हैं, बहुत किए हैं, अभी भी करेंगे। क्या क्या हैं? कूड़े उड़े की गाड़ी आती है लगा? हाँ, रोज आती है गाड़ी कूड़े की, बहुत अच्छी है, काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं, और फिर आगे भी काम बहुत करेंगे, ऐसा बात नहीं है, हम लोग के तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, तब तो हम लोग उनको अथी कर रहे हैं सेवा। ये तो ये देखिए जो समर्थक हैं जो प्रचार करने के लिए आए हुए हैं उनसे जानने और समझने की राय यही हो रही है। आपका नाम क्या है पहले बताइए? तो तोशी ठाकुर। बताइए कि
क्यों प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं, क्या काम किया है भाजपा ने जिससे वोट आप मांग रहे हैं? भाजपा ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है। जैसे कि हमारे नियर बाय नगरन पार्क था जो बंद हो गया था, ठीक है, उसमें शादी पार्टी का अरेंजमेंट होता था और मतलब जितने भी मतलब आपके स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट वगैरह हो जाते थे। अब जैसे लोगों का कोई भी कामकाज होता है तो वो रुकता नहीं है, उन्होंने वो जो MCD की जगह थी वो खाली करवाई है, कूड़े का ढेर बिकवाया है, उसको चालू कराया है, उसको फ्री करवाया है और रामलीला से लेकर जितने भी प्रोग्राम आयोजित करे जाते हैं सब भाजपा की तरफ से करे जाते हैं और वो स्पेस सबके लिए अवेलेबल है। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में है, वो बोल रही है कि जो है BJP ने कुछ काम नहीं किया, उसके खिलाफ लगता है कि जो है कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको? देखो कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, वो केजरीवाल सरकार है सिर्फ दिखाती है। एक वो होता है मतलब एक शेर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो तो लोगों को दिख ही रहा है केजरीवाल ने कितना घोटाला करा है, कितना क्या करा है, वो आप अपने आप देख सकते हो। दे रखा है सर, बाकायदा मैंने PCR को कॉल किया, दो बार थाने से आ चुके हैं, वो कह रहे हैं जी आप गिरा दो हम देख लेंगे। अब हम गिराएंगे, अगर किसी पे हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार, छत पे कैसे गिराएं बताइए आप एक बार। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा कर रही कि हम आम लोगों की बड़ी समस्या सुनते हैं, आपको लगता है सुनती है? कुछ नहीं सुनती। अगर आपको एक मकान बनाना है ना तो उनको पर फ्लोर का 20,000 रुपये दे दो, विधायक कहता है कि हाँ अभी लाओ हम आपका मकान बनवा देंगे, नहीं बनाएंगे तो तोड़ने को तैयार है जी वो हर जगह। यहाँ पे विधायक वसूली भी करते हैं क्या? और क्या, क्यों नहीं करते विधायक, पैसा लगाकर जीते हैं, पैसा देकर आते हैं, बिगर पैसों के थोड़ी पैसों से आते हैं, लाखों रुपए दिया जाता है डोनेशन के नाम पर। तो अभी आपका MCD चुनाव आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि किसको चुनना पसंद करेंगे, BJP को या आम आदमी पार्टी? भाई हम तो BJP को चुनना पसंद करेंगे जी, बाकायदा हम आम आदमी पर, क्योंकि आम आदमी ने ऐसा लालच दे रखा है कि फ्री में काम होगा जी, फ्री में होगा, फ्री के नाम पर वो जनता को बेवकूफ़ बना रही है। तो MCD में इस बार मतलब BJP आ रही है? आनी चाहिए जी, BJP ही आएगी 101%। चलिए देखिए ये राय भी है लोगों की जो है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन पे जो है वसूली का भी आरोप लग रहा है। और बाकी ये समस्या देखिए कितनी गंभीर समस्या बनी हुई है, यहाँ पर पेड़ जो है टूट कर जो है अलग हो चुका है और इससे हादसा हो सकता है, लोगों के जान माल का खतरा हो सकता है, लेकिन सरकार जो है बेसुध है और जो है फिक्र करने की बजाय जो है बेसुध पड़ी हुई है या लोगों की भी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश यही रहेगी कि ये समस्या कब से बनी हुई है और कब ये इसका निदान क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ के विधायक जो हैं। आखिर जनता उनको चुनती है इसीलिए कि लोगों की समस्याएं दूर हो सके, लेकिन जब समस्याएं बनी हुई हैं तो आखिर क्यों चुनेगी कोई? या MCD का चुनाव आ चुका है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जो है हमें चुनिए, लेकिन कैसे चुनेगी? यहाँ पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक वसूली करते हैं, पेड़ ऐसे लटके हुए हैं कि जिससे कि खतरा हो सके और लोगों को जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो लोगों से बात कर रहे हैं और देखिए ये पूरी समस्या देखिए, अगर आपको हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि कैसी समस्या बनी हुई, लोगों से भी नीचे बात करते हैं और जानने का प्रयास यही रहेगा कि आखिर MCD में इस बार किसकी सरकार। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी जिक्र किया कि जो है यहाँ हम सागरपुर में हैं इस समय, आपको क्या लगता है कि जो है क्या मुद्दे इस बार रहेंगे और आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी को जैसे देखा जाए तो पब्लिक बहुत खिलाफ़ हो रही है इनके कि भाई इन्होंने गलत करा टिकट, सबने पहले तो टिकट बांटने में गलत किया है, उसकी भरभोगी मैं भी हूँ। जो विधायक विनय मिश्रा नहीं है उन्होंने भी मेरे से 10 लाख रुपए टिकट के नाम के लिए थे और उसके बावजूद जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कार्यकर्ता ना वर्कर, और अपनी अच्छे उनके बैठ उठ अच्छी थी उनके घर में, उनके अपने संबंध होंगे तो उसके कारण नज़दीकी के कारण उन्होंने मेरी टिकट हो रही थी मेरी टिकट काट के 10 लाख रुपए लेने के बावजूद उसको एक सिमी यादव है जिसे कोई जानता भी नहीं उसको दे दी गई है। अब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि क्षेत्र में 25 साल से तो काम मैं ही कर रही थी, पहले मैं महाबल मिश्रा जी के साथ काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद जब विधायक विनय मिश्रा जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी तो उन्होंने है ना मुझे अपने साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई और ज्वाइन करवाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जो टिकट मेरी जो 2017 में मुझे कांग्रेस की जो टिकट मिल रही थी इसमें, तो उसने जब भी मेरी टिकट काट के सिमी यादव को ही विनय मिश्रा जी ने अपने पापा से कह के दिलवाई थी। और उसके बावजूद 2020 में इन्होंने दोनों ने बाप बेटा ने यही कहा था कि ना मीनू जी वैसे मुझे मीनू के नाम से ही सब ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि मीनू जी गलती हो गई है
और है ना अब आप मैंने विनय को जितवाइए, विनय के साथ लगिए और है ना आगे हम आपका समझ रहे कि टिकट आपकी है, आपकी बार कोई हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी है ना इन्होंने ये गलती करी और मुझे ये भी कहा गया जब मैंने जब टिकट हुई तो मैंने इन्होंने मेरे को विधानसभा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा के विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया SC ST विंग का, और मैं इनके साथ विनय मिश्रा के साथ रात दिन मैं काम करती रही, एरिया में क्षेत्र में मैं ही काम करती रही, क्योंकि देखा जाए तो एक कार्यकर्ता मैं ही थी यहाँ पे, बाकी तो सारी बीबियाँ वगैरह ही थी। तो है ना उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे से यही बात कहा, मैंने उन्होंने मुझे खुद विनय मिश्रा जी ने कहा कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आपने हमारे लिए काम किया है। तो उन्होंने जब मुझे 2021-20 में उन्होंने मेरे को जब विधानसभा अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने यही बात करी ना जब चुनाव की, तो फिर उसके बाद है ना उन्होंने ये कहा कि है ना मैंने फिर उन्होंने कहा कि मीनू जी चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन पैसा लगता है। तो मैंने ये पूछा मुझे विधायक जी कितना पैसा लगेगा, तो कह रहे कि देखो आप हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, वैसे तो लोग 40-40, 45-45, 50-50 लाख रुपये देते हैं फंड, तो आप है ना एक काम कीजिए 10 लाख रुपये फंड दे दीजिए। तो मैंने ये कहा मेरे पास इकट्ठे नहीं है, तो कह रहा आपके लिए किस्तों में आप दे दीजिए, चाहे 3-4 दफ़े करके दे दीजिए, आपके लिए छूट है। मैम जैसे कि अभी आप जिक्र कर रही हैं कि जो है 10 लाख की जो है डिमांड आपसे की गई यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विनय मिश्रा, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जो जो है जनता के बीच में या मुद्दों को लेकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, उन्हीं के विधायक ऐसा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जो ये विनय मिश्रा जो विधायक आम आदमी पार्टी का, तो इनके पिताजी भी पहले ये महाबल मिश्रा पूर्व सांसद हैं, तो उन्होंने कांग्रेस में भी इन्होंने ज़्यादातर इसी तरीके से पैसे लेके ही टिकट बांटी गई थी। मैं ये नहीं कहती कि अरविंद केजरीवाल जी गलत हैं, पार्टी गलत है, लेकिन जो विधायक है ना यहाँ पे हमारे द्वार का विधानसभा का, इन्होंने यहाँ पे भ्रष्ट ये इस तरीके के पैसे की इस तरीके का इन्होंने एक तरह से भ्रष्टाचार यही फैला रहे हैं। और रही बात मेरे से पैसों की डिमांड इन्होंने ही करी थी पार्टी फंड के नाम पर लेके, लेकिन बाद में मुझे पता लगे कि ऊपर तो कोई पार्टी फंड ऐसा कुछ जमा ही नहीं किया। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर मेरा पार्टी फंड तुमने जमा करा है तो मुझे उनकी रसीद भी दीजिए, पर्ची भी दीदी कुछ रसीद तो होगी, तो उन्होंने मना कर दिया, उनके पास कोई रसीद भी नहीं। इसके मतलब मेरे पैसे तो विधायक विनय मिश्रा ने खाए हैं, और जब मेरे पैसे उन्होंने खाए हैं तो टिकट तो मेरी भी बनती थी ना, तो मुझे देनी चाहिए थी ना टिकट। उसके बावजूद भी इन्होंने इतने धोखेबाजी लास्ट समय तक मेरे को इन्होंने भरोसे में रखा कि मैं तुम्हारा नाम चढ़ रहा है। अब देखिए ना आप कह रहे हैं ना कि कार्यकर्ता सर्वे पर बात लेते हैं, सर्वे में नंबर 1 पे, सर्वे में मैं इतने साल से कर रही हूँ, आप भी गए होगे क्षेत्र में, आपको मेरा नाम सबने लिया है, तो सर्वे में मेरा नंबर 1 था। और बताइए उनके जो रिश्तेदार नहीं थी तिलोत्तमा चौधरी, वो तो कांग्रेस पार्टी से 3 घंटे पहले उसे ज्वाइन करवाया गया था, तो वो उसका सर्वे में नाम कहाँ से आ गया है? अब इस तरीके से बरकर को आपको बताऊं मैं, जो कार्यकर्ता इतना रो रहे हैं, इतना दुखी है कि अपने घर में दुखी होकर बैठे हुए हैं, पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, इसको आने वाले इसी तरीके से अगर कार्यकर्ताओं को धोखा दिया जाएगा, पैसे लूटे जाएंगे, तो इसी तरीके से आने वाले टाइम में इनको कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, एक मामूली सी MCD की टिकट ही तो चाहते हैं, इनसे कोई बड़ा पद तो नहीं मांगते। अगर कोई मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, तो मेहनत के ऊपर अगर भी टिकट मांग रहे तो क्या गुनाह कर रहे हैं? उसमें भी चलो माना इन्होंने मेरे पैसे भी खा लिए और मुझे टिकट भी नहीं दी। मैं तो ये भी कह रही हूँ मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, है अगर तुम्हें उनसे इतना ही लगाव था, उनके घर तक अपने पर्सनली कुछ ताल्लुकात तुम्हारे थे, तो तुमने मेरे पैसे क्यों लिए और कार्यकर्ताओं से मेहनत क्यों करवाई? जब तो इन्होंने ये कह दिया कि मीनू जी आप मेहनत करिए, एरिया में प्रचार कीजिए, कोई नहीं अगर आपका 3रे नंबर पर भी नाम होगा तो मैं 1रे नंबर पर करवा दूँगा। उसके बाद इतनी बातें हुई हैं इनके कहने के बावजूद भी इन्होंने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया है कि इसने विनय मिश्रा जैसे आप कह रहे हैं ना विनय मिश्रा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, तो इनको भी अब लोग भी तो उनके पर थूक रहे हैं कि जो कांग्रेस से बन के गए थे, जो कांग्रेस ने उन्हें बनाया, वो उसी को लात मार के आम आदमी पार्टी में गए, बेटे की गलती पे पर्दा डाल ले कि जो बेटे ने पैसे लिए हैं ना, बेटे की गलती पे पर्दा। अब सुनने में आ रहा है मुझे कि जैसे मैं तो खुला बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तो कर्जा वर्जा करके दिया था, मेरा पैसा दो, मुझे टिकट नहीं दी तो पैसा दो, लेकिन जो और लोग हैं बेचारे दबी दबी आवाज़ में उनसे पैसे मांग रहे, उन और लोगों से उन्होंने पैसे खाए हैं, लेकिन वो बेचारे खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। मामला संदीप भारद्वाज का जो भी आया था, हाँ देखिए जब इस तरीके से बेचारा मेरे को भी सुनने में आ रहा है जैसे कार्यकर्ता है कि टिकट के आस में हैं, तो वो विधायक जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्हीं के द्वारा तो वही तो पैसे मांगते हैं, है तो उन्होंने पैसे मांगे होंगे। अब देखिए आपके सामने मुद्दा, वो फांसी लगा के मर गया, उन्होंने कहाँ से कैसे ने कैसे कर उसने पैसे करे होंगे। तो आप देखिए मैं ये कह रही हूँ कि कार्यकर्ताओं को है ना इतना मत सताओ कि इस तरीके तक नौबत तक आओ, क्योंकि एक समय मेरा भी ऐसा ही दिल कर गया था 12 नवंबर की बात है,
मेरा भी मन ऐसा कर गया था जब इन्होंने लिस्ट का मेरे को ये कहा कि तुम्हारा लिस्ट में नाम आएगा और ऐसा आया तो मेरा भी मन ऐसा ही करा कि मैं यहाँ से है ना जैसे दुनिया धोखेबाज है यहाँ से छोड़ दो अपने आप को ख़त्म कर दो क्योंकि ये है ना अब मैं अब लोगों का ये मिशन हो गया जब मेरे को धोखा दिया तो मेरे पर बीती तो और पे क्या बीत रही होगी तो जब उस टाइम मेरा दिमाग घूम गया मेरे को बेटा मेरे को हॉस्पिटल लेके भागा मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो उसके बड़ी मुश्किल से बच्चों ने समझाया मेरे को लोगों ने समझाया कि ये तो हमने आपको समझाया था कि ये जो मिश्रा परिवार है धोखेबाज है ये कभी किसी का नहीं हो सकता। से जानना चाहेंगे जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो है 10 लाख की अमाउंट जो है आपने विनय मिश्रा को दिया यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं आपने इसके खिलाफ जो है कंप्लेन भी किया है या अभी तक नहीं किया है? देखिए मैंने इसकी कंप्लेन है ना कमिश्नर के यहाँ पे भी करी है उपराज्यपाल जी के यहाँ करी है गृह मंत्रालय में करी है ईडी में भी करी है। ईडी में भी इसलिए करी है कि जो हमारा पैसा खा रहे हैं ना जो ये आज ये कह रहे हैं ना विनय मिश्रा कि भाई है ना कार्यकर्ता कोई नहीं केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ता है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विनय मिश्रा को कि विनय मिश्रा जी आप भूलिए मत कि आपका जो पिताजी हैं जो काउंसलर जो बने थे ना और जो विधायक का चुनाव लगे जब से मैं साथ लग रही हूँ और जब ये किस साल में थे इन्होंने मुझे अपने पीछे टूट चप्पल भी टूट गई थी इनके पीछे मैं नंगे पैर घूमी थी इनके लिए वोट मांगते हुए बच्चों को छोड़ के भूखा प्यासा छोड़ के मैं घूमी थी जो ये आज कार्यकर्ता को कुछ नहीं मान रहे ना तो जो ये इनके जो पिताजी जो रिटायर हुए थे फौज से तो इनकी 1000 रुपये पेंशन थी 1000 रुपये पेंशन थी तो जो इतना ये पैसा जोड़ रहे हैं ना ये 500 करोड़ का अब तो कह रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए हो गए हैं उनके अब सुनने में आ रहा है तो कहाँ से जोड़ रहे हैं राजनीति से तो इनको तो खा के ही तो जोड़े हैं तो जो आज अगर हम कार्यकर्ता वर्कर नहीं होते तो इतना कमा लेते या इतना इन्होंने अंधेरगर्दी इतनी मचा दी है इनका आने कभी पेट ही नहीं भरता। मैं तो ये कहूँगी कि जो कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से तो हो रहा है ये बहुत गलत है। तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल है बाकी हम लोगों से और भी जानना चाहेंगे तो ये माना जाए कि जिस तरीके से आप विरोध कर रही हैं या जिस तरीके से माहौल भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रही हैं ऐसे में ये माना जाए कि यहाँ से आम आदमी पार्टी नहीं निकल रही है या फिर इस बार यहाँ पर नहीं चुन रहे हैं आम आदमी पार्टी को आप लोग? देखिए मैं तो जहाँ तक है जो मेरे संपर्क में है आप लोग यहाँ पे जो इतनी ये लोग खड़े इनसे पूछ लीजिए आप अभी क्षेत्र में घूमे थे आप घूम के आए हैं तो आपको भी पता लगा होगा इस टाइम मैंने विनय मिश्रा की वजह से आम आदमी पार्टी से सब खिलाफ है कोई नहीं चाह रहा कि जो ऐसी उन्होंने सबका यही कहना है कि उन्होंने ऐसी लेडीज़ को टिकट दी है उनका चाहे कैसा भी ताल्लुका संबंध था उनका कैसा भी था उनको ऐसी और लेडीज़ को टिकट दी जिसको कोई नहीं जानता वो कार्यकर्ता नहीं है हैं तो इसीलिए उनके कह रहे हमारे सिर पे जबरदस्त थोपे जा रहा है इसलिए कह रहे हम झाड़ू पर कोई वोट नहीं देगा इसीलिए इस बार कोई झाड़ू पर वोट नहीं देगा। आप तो क्षेत्र में घूमे ही हैं मेरे से ज़्यादा तो आपको ही पता है मैं तो अपने घर में बैठी हूँ लेकिन मेरे को जो इन्होंने दुख पहुँचाया है ना तकलीफ पहुँचाई है ना मैं खुद ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई है ना जो MCD चुनाव में ये खास करके द्वारका विधानसभा में कोई झाड़ू को वोट ना दे नहीं तो विनय मिश्रा का सिर है जो आने वाले टाइम में 2025 में विनय मिश्रा भी नहीं रहेगा विनय मिश्रा भी नहीं रहेगा विधायक नहीं बनेगा क्योंकि मेरी हाय मेरी बददुआ है और ये पब्लिक करके दिखाएगी क्योंकि जनता के पास वोट की ताकत है जो जनता के बीच में मैं घूमती हूँ इनका काम मैंने करवाए हैं इनके सुख दुख में मैं शामिल हुई हूँ मैं खड़ी हुई हूँ तो यही मेरी ताकत है और यही कह रही हैं कि हम झाड़ू पर वोट नहीं देंगे तो झाड़ू से यहाँ से मुश्किल है। और भी लोगों से बात कर सर आपका नाम जानना चाहेंगे पहले तो। मेरा नाम है जी धनेश शर्मा। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सागरपुर में अभी हम इस वक्त मौजूद हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग झाड़ू को पसंद कर रहे हैं जिता रहे हैं क्या है स्थिति अभी? देखिए सवाल झाड़ू या किसी पार्टी का नहीं होता सवाल इस टाइम है कि हमारा विधायक कैसा हुआ। हमारा विधायक विनय मिश्रा चोर है सरेआम कहता हूँ चोर है। मैं और मीना वर्मा हम दोनों उसको 10 लाख रुपए दे के आए थे पार्ट पेमेंट करी है उसको किस्तों में पैसे दिए हैं और उसके बाद बिल्कुल मुकर गया वो आज पैसे देने से उसने मना कर दिया। पैसे हमने डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं करी मैंने भी कंप्लेंट करी है कमिश्नर विनय मिश्रा के खिलाफ क्योंकि उसमें पैसा मेरा भी इन्वॉल्व है और मीना वर्मा का भी इन्वॉल्व है हम दोनों का इन्वॉल्व है। कमिश्नर के कंप्लेंट हमने करी 18 तारीख को वो इसलिए करी है बाद में कि पहले हमने ये चाहा कि भाई पार्टी की बदनामी ना हो विनय मिश्रा की बदनामी ना हो पर जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया हमने बीच में डाले दो आदमी डाले दो व्यक्ति डाले उन्होंने जब मावल मिश्रा जी और विनय मिश्रा जी से बात करी और वो एकदम मुकर गए कि जी हमें कोई पैसा नहीं दिया गया है तब हमें मजबूरी में कंप्लेंट करनी पड़ी और जो कि हमने 18 नवम्बर को करी है। तो इस बार आप लोग चुन रहे हैं सागरपुर से पार्षद आम आदमी पार्टी का या फिर इस बार जो है विरोध हो रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए इस टाइम पे विरोध जो कार्यकर्ता है जो क्रीम था आम आदमी पार्टी की वो कोई भी कार्यकर्ता इस जो टिकट दी गई है सिमी यादव को उसके साथ कोई भी नहीं लग रहा है।
जब आप समझ सकते हैं, जब कार्यकर्ता नहीं लग रहा, रीढ़ की हड्डी जो होती कार्यकर्ता होती है पार्टी की, जब वही काम भी नहीं कर रही है तो परिणाम तो आप जान सकते हैं, बाकी तो ईश्वर की मर्जी जो है वो आपको रिजल्ट आने पे पता लग ही जाएगा। तो साफ तौर पे क्या कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ से हार रही है? साफ तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी द्वारका विधानसभा से, क्योंकि यहाँ का वर्कर सारा रोष में है। जो वहाँ से तिलोत्तमा चौधरी को 117 नंबर वार्ड से दी गई है, वो उनकी रिश्तेदार है, 4 घंटे पहले ज्वाइन करा के उसको टिकट दी गई, तो वहाँ का वर्कर सारा परेशान है। वर्कर अपनी ज़िंदगी लगाता है दाब पे, अपना पैसा लगाता है, अपना घर बार छोड़ता है, अपने बच्चों का प्यार छोड़ता है, पार्टी के लिए काम करता है, और लास्ट में विधायक ऐसा अगर गलत सलूक करे, रिश्वत खाए, पैसा ले पार्टी का, इसे कहते हैं पार्टी के वर्करों का खून चूस के ये लोग अमीर बने हैं। ऐसी ही यही पब्लिक जवाब देगी, यही वर्कर जवाब देंगे कि इनको ना धरातल पे ले आए। धरातल पे हम पैसे की वजह से नहीं कह रहे, इनको राजनीतिक मोड़ की वजह से कह रहे हैं। इनको राजनीतिक इनको दिखाएंगे 2025 में, विनय मिश्रा और मावल मिश्रा का द्वारका विधानसभा से राजनीति में नाम खत्म कर देंगे, और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं विधायक पर आरोप, और साफ तौर से उसका असर यह दिख रहा है कि अब सागरपुर से साफ तौर से आम आदमी पार्टी का जो भी पार्षद अभी उम्मीदवार हैं उनकी तरफ कोई समर्थन नहीं है, और साफ तौर से आक्रोश देखा जा सकता है। और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? इशरत परवीन। बताइए, आम आदमी पार्टी को चुन रही हैं या नहीं? नहीं, मीनू दीदी का कुछ का टिकट था तो वो मीनू दीदी को चाहिए, मीनू दीदी को मिलना चाहिए, गलत किए हुए हम लोग आम आदमी को नहीं दे सकते। इस बार आप लोग आम आदमी पार्टी को नहीं चुन रहे हैं, इसी वजह से कि टिकट नहीं दिया गया, और जिस तरीके से अभी पैसे देने की बात हुई इसको लेकर? इसी के लेकर। आपका नाम क्या है? अनवरी बेगम। बताइए कि आम आदमी पार्टी को अभी सागरपुर में हम लोग हैं तो चुन रही हैं आम आदमी पार्टी को कि नहीं? हम लोग आम आदमी पार्टी को नहीं चुन रहे हैं, मीनू दीदी को टिकट मिलना चाहिए, मिला नहीं, तो इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, चलिए, देखिए बातचीत हो रही है और साफ तौर से जो है कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी दिख रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सराजुद्दीन है जी। बताइए कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आप लोग सागरपुर से चुन रहे हैं? या मीनू जी को जो टिकट मिलना था वो उनको नहीं मिला, उनको दूसरों को दे दिया गया, तो इसलिए आम आदमी पार्टी का साथ नहीं है। लेकिन ये नहीं लगता कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है क्या, या जो यहाँ के विधायक हैं उनके द्वारा काम नहीं किया गया है? देखो, काम तो उनको पता है, बाकी जो हमारा करना काम है, उनको टिकट मिलना चाहिए था मीनू जी को, उनको टिकट नहीं दिया गया, दूसरों को दिया गया है, तो ये गलत बात है ना। पैसे भी ले लिए फिर भी टिकट नहीं मिला, ये तो विधायक की गलत बात है जी। तो ये कि आम आदमी पार्टी को आप लोग क्यों नहीं चुन रहे हैं? टिकट तो मिलना चाहिए पर कोई दिया नहीं, तो अब अफसोस हो रहा है इंसान को, इतना पैसा जमा करके भी पछता रही हैं ना, दुखी हैं इंसान, तो मिलना चाहिए। तो यहाँ से अभी जो आम आदमी पार्टी की पार्षद अभी जो उम्मीदवार हैं उनको फिर चुनेंगी आप लोग की वोट देने जाएंगी कि नहीं आम आदमी पार्टी को? क्योंकि जो उन्होंने किया उनका पार्टी नहीं किया, जो केजरीवाल ने किए हैं वो उनका पार्टी नहीं कर रहे हैं, पहले कुछ और अब कुछ और करते हैं। अच्छा। कि कहना है, सुनने की मतलब हुआ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब बाद में जितने का बाद तो कुछ मिलता ही नहीं है। हमने 5-6 बार फार्म राशन कार्ड का जमा कर दिया, हमें आज तक भी नहीं बना राशन कार्ड, मेरा बच्चा हैंडीकेप का है, कुछ भी नहीं मैं जानती हूँ, मैं धक्का खा के लॉकडाउन में रही हूँ। अच्छा। पर मेरे को राशन कार्ड मेरे बच्चे को नहीं मिलता है, जब जाओ तो कहता है तुम्हारा पति का इतना सैलरी है, ये है वो है, क्या लेबर ग्रेड का मेरे पति हैं, पेंट करते हैं, खाते हैं, मेरा बच्चा हैंडीकेप का है, आज तक कुछ भी नहीं बना। आम आदमी से मतलब फायदा नहीं मिल रहा जो आम आदमी पार्टी कहती है? उसका पेंसिल के लिए कई बार तैयार किया, अभी तक उसका पेंसिल के कोई सुनवाई नहीं है। हमने रेलवे टिकट का भी अप्लाई किया, उसका भी हमें कोई सुनवाई नहीं है, तो किससे बताएं? हमारे पास है वोट पर मैं वोट किसी को नहीं देंगे। जब इंसान हमारे लिए नहीं कर रहा है, राशन के लिए जाओ तो कहेंगे नहीं, तुम्हें क्या है, हाथ गोर भगवान दे रखे, पर जो मेरा बच्चा है उसको लेके मैं धक्का खा रही हूँ। जब वोट लेने की बारी आती है तो कर जोड़ते हैं कि हमें दो, पर हमारे लिए कुछ नहीं होता है। जैसे कि अब हम क्षेत्र विधायक के पास ही तो जाएंगे काम के लिए,
तो जैसे भी ये कह रही हैं कि राशन कार्ड वगैरह हुआ तो वहाँ पे भी उनके पास भी हमने काफ़ी दफ़े फोटो कापी भी जमा करी कि इनका राशन कार्ड वगैरह नहीं बन रहा है, जैसे हैंडीकेप की भी पेंशन वगैरह। अब बहुत से तो उम्र के भी 60 साल वाले भी है, वो तो हमें कार्यकर्ता होने के नाते हमको ही बोलेंगे ना कि हमारा ये नहीं बन रहा है, हमारा ये नहीं बन रहा है। तो लेकिन अब क्षेत्र विधायक को तो बोलेंगे, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। जरूरतमंद का तो काम होना चाहिए, होना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी सर कि काम जो है यहाँ की विधायक कुछ काम कर रहे हैं और उस आधार पर आप लोग आम आदमी पार्टी को चुनना पसंद करेंगे यहाँ के पार्षद को? भाई यहाँ का पार्षद को क्या चुनेंगे ना चुनेंगे, जब यहाँ की अर्थव्यवस्था इन्होंने इतनी खराब कर रखी है कि 5 साल ये लोग हम सब लोग नरक में रहे हैं। 15 साल नहीं, 5 साल तो अब ये मान लो जब से ये तोड़ा था, 5 साल तो जब से हो गए और अब विधायक जी को 3 साल बीत गए, अगर कहीं एक पैसे भर काम किया हो, एक पैसे भर काम किया हो पूरी विधानसभा में। आपको लगता है किस बार आम आदमी पार्टी को आप लोग चुनना पसंद करेंगे? नहीं। चलिए देखिए, लोगों से हम बात कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश है कि जो है आखिर आम आदमी पार्टी को लोग क्यों चुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिराग वर्मा है। चिराग, ये बताओ कि आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ पे क्यों नहीं चुनना पसंद कर रहे हैं आपके नाते, यूथ के नाते बताओ। देखिए, जैसे कि यहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं श्री विनय मिश्रा जी, ये ज़मीनी स्तर पर इन्होंने कभी काम नहीं किया, ठीक है। जब भी, और सबसे बड़ी बात जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं रीढ़ की हड्डी, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ सीएम केजरीवाल के नाम पे, अपने काम के नाम पर ये राजनीति बिल्कुल भी करना नहीं जानते। जब भी ये क्षेत्र में आते हैं वोट मांगने के लिए तो ये साफ कहते हैं कि सीएम केजरीवाल के नाम पर फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे मतलब वोट मांग के चले जाते हैं। और लेकिन ये कभी भी अपने गली मोहल्ले गलियाँ बनाना टूटी फूटी, जैसे कि आप कहीं भी क्षेत्र में जाके देख सकते हैं काफ़ी गलियाँ हैं, डाबड़ी वार्ड वगैरह में भी, हमारे एरिया में भी काफ़ी गलियाँ हैं। 3 साल हो गए विधायक जी को, विधायक बने हुए, लेकिन उन्होंने उन गलियों का कभी दौरा भी नहीं किया, उन्होंने उन गलियों का सुख दुख भी नहीं देखा कि लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे मतलब गलियों में पानी भर जाता है, मतलब गड्ढे हो जाते हैं, पैसा खाना चाहते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोगों के हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं, लोग गालियां देते हैं मुंह भर भर के विधायक जी को, लेकिन इतनी बद्दुआ वो लोगों से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ पैसा खाना जानते हैं, वो लोगों की मतलब लोगों के बीच में कभी आना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हम हमेशा जीतेंगे तो सीएम केजरीवाल के नाम पर जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं को तो कहते हैं कि कार्यकर्ता कोई कुछ नहीं किया, वोट देती है, और ये तो वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 वोट का फ़र्क पड़ेगा, आम आदमी पार्टी की लहर है तो सारे वोट सीएम साहब को ही जाएंगे, मतलब अपने कैंडिडेट के नाम पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो सीएम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि यूथ के नाते बताइए कि सागरपुर में आम आदमी पार्टी जीत रही है या हार रही है? एक तरफा आम आदमी पार्टी हार रही है, सागरपुर में भी और पूरी द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी हार रही है एक तरफा, आम आदमी पार्टी कंपटीशन में ही नहीं है कहीं भी। चलिए देखिए, आक्रोश पूरा जो है दिख रहा है यूथ के नाते, हम लोगों से बात कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों हार रही है, भ्रष्टाचार जो खत्म करने की बात आम आदमी पार्टी लगातार करती आई है जब से सत्ता में आई है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है और उसके बड़े बड़े आपको उदाहरण सुनाई दे रहे हैं, 10-10 लाख रुपए जो है कार्यकर्ताओं से वसूला जा रहा है। और लोगों से और भी जानने की कोशिश यही करेंगे कि आखिर जो है आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है सागरपुर विधानसभा से या पूरे द्वारका विधानसभा में, ये लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।